हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एंड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ इनसाइड आईएएस डेली करंट अफेयर ऑफ 8 अक्टूबर 2020। ठीक है, 8 अक्टूबर 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे इनसाइड का। सो टॉपिक्स जो हम आज कवर करने वाले हैं, देखा जाए तो यहाँ पे 11 टॉपिक्स है जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और 4 टॉपिक्स है जो प्रीलिम स्पेसिफिक हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन एंड इफ़ यू आर न्यू इन अवर चैनल देन प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम GS पेपर 2, बोडोलैंड पोल गेट आसाम कैबिनेट नॉट। तो जो कंटेक्स ऐसा है न्यूज़ का कि जो बोडोलैंड है, ठीक है, बोडोलैंड एक एरिया है जहाँ पे आसाम के कैबिनेट ने वहाँ पे पोल मतलब जो इलेक्शन है उसको कंडक्ट करने को उन्होंने मतलब हाँ बोल दिया है, ऐसा न्यूज़ है। ठीक है, तो जो आसाम की कैबिनेट है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को बोला है कि जो बोडोलैंड का टेरिटोरियल काउंसिल का इलेक्शन होता है, ठीक है, बोडोलैंड क्या है, बोडोलैंड का टेरिटोरियल काउंसिल क्या है वो मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, तो वो क्या है, उसके इलेक्शन जो थे वो कंडक्ट करने को उन्होंने स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होता है, जैसे हमें पता है कि सेंट्रल का एक इलेक्शन कमिश्नर कमीशन होता है, तो अभी स्टेट वाइज भी एक होता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, तो उनको उन्होंने कहा है, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है। तो इनिशियली देखा जाए तो बोडोलैंड का जो टेरिटोरियल काउंसिल है उसका इलेक्शन होने वाला था अप्रैल में, पर ये पैंडेमिक के वजह से क्या हुआ, पैंडेमिक के वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। और ये जो इलेक्शन होता है बोडोलैंड टेरिटोरियल इलेक्शन, तो ये इलेक्शन जो कंडक्ट किया जाता है 40 सीट्स रहते हैं उसमें, उस काउंसिल में 40 सीट रहते हैं और उनको मतलब वो इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है वो 40 सीट्स के लिए। ठीक है, ये काउंसिल जो है अंडर किसके गवर्नर रूल के अंडर आता है, सिंस इट्स डिसॉल्यूशन ऑन अप्रैल 27। ठीक है, जो काउंसिल जो ये बोडोलैंड का काउंसिल है वो तो डिसॉल्व हो गया था, ठीक है, अप्रैल में ही कंडक्ट करने वाले थे उसका इलेक्शन, पर वो डिसॉल्यूशन होने की वजह से अभी फिलहाल कुछ टाइम तक वो गवर्नर के पावर के अंडर में है। ठीक है, बोडोलैंड एरिया अगर देखा जाए, ठीक है, बोडोलैंड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स देखे जाए तो ये डिस्ट्रिक्ट है जो डार्क मरून कलर में दिए हुए हैं, दैट इज कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोरकरागह, चिराग, बसाक, बक्सा एंड उल्दागुरी, ऐसे 4 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो बोडोलैंड एरिया में आते हैं। अभी सबसे पहले क्वेश्चन आपको अराइज हुआ होगा या आपको बहुत बार अपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा या पॉलिटी में सबसे एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है, ठीक है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो शेड्यूल्स आते हैं, ठीक है, शेड्यूल्स जैसे हम पता है आर्टिकल्स जैसे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल्स होते हैं उसके तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स भी मेंशन है। ठीक है, अभी देखा जाए तो 12 शेड्यूल्स है रिसेंटली, अभी इस टाइम पे तो 12 शेड्यूल थे, पर जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस टाइम पे शेड्यूल्स, उस टाइम पे कम शेड्यूल्स थे। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या होता है। जैसे हमारा 6 शेड्यूल है, ठीक है, शेड्यूल नंबर 6, तो उसमें क्या है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चारों एरिया को ट्राइबल एरिया का स्टेटस दिया है। ठीक है, इसके और ये जो एरिया है वो टोटली डिफरेंट होता है शेड्यूल एरिया, ठीक है, एक शेड्यूल एरिया से जो ट्राइबल एरिया टेक्निकली तो देखा जाए तो वो थोड़ा डिफरेंट एरिया होता है। ठीक है, ये 4 जो स्टेट्स हैं उनको 6 शेड्यूल में रखा गया है, ठीक है, जो कंटेन करते हैं ट्राइबल एरिया, ठीक है, उन वहाँ पे ट्राइबल जो पॉपुलेशन रिसाइड करती है। ठीक है, दो दी स्टेट फॉल विद इन द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड द रीजनल काउंसिल फॉर द एक्सरसाइजिंग ऑफ अ सर्टन लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियली पावर। ठीक है, अगर ऐसा देखा जाए तो ये जो इनका जो देखिए ये ट्राइबल जो एरियाज हैं उनका जो एग्जीक्यूशन है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर ही आता है जो भी वर्क है उनके में, पर इन एरियाज़ को, ठीक है, कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शन और कुछ जुडिशली पावर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या रीजनल काउंसिल थ्रू दी गई है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल इन एरियाज़ में एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, और ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है या जो रीजनल काउंसिल है वो सब जो होता है गवर्नर जो होता है वो मॉडिफाई करते रहता है। ठीक है, गवर्नर उस की जो बाउंड्रीज होती है, ठीक है, कौन से एरिया आते हैं उन काउंसिल के अंदर, वो जो गवर्नर के पास पावर होती है कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं वो बाउंड्रीज को। उसके साथ साथ ईच डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, ठीक है, हर एक जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट ऐसे बोलते हैं। अभी गवर्नर कौन से नोटिफिकेशन ला सकता है रिगार्डिंग द बाउंड्रीज ऑफ अ ट्राइबल एरियाज़, ठीक है, तो देखा जाए तो वो कोई भी एक न्यू एरिया को इंक्लूड कर सकता है, ठीक है, इंक्लूड एनी एरिया, एक्सक्लूड एनी एरिया, क्रिएट अ न्यू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, डिमिनिश द एरिया ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, अल्टर द नेम ऑफ एनी
ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, डिफाइन द बाउंड्री ऑफ एनी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये इतने पावर, ये इन सारे एरिया का जो है उनको चेंजेस ला सकते हैं या गवर्नर उसको नोटिफाई कर सकता है। अभी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड द रीजनल काउंसिल, अभी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल है वो क्या, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है रिगार्डिंग टू द प्रोवाइडिंग वेरियस फैसिलिटीज टू दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। ऐसा देखा जाए तो देयर शैल बी द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर ईच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, जितने भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट होती है उसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होना चाहिए। ठीक है, और उनमें कुछ नियरली देखा जाए तो मोर देन 30 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, हर एक जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है उसमें मोर देन 30 मेंबर्स होते हैं, और उनमें से जो है नॉट मोर देन 4%, ठीक है, नॉट मोर देन 4% जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर से, और जो बाकी रहते हैं, ठीक है, जो 30 मेंबर्स में से, नॉट मोर देन 30 मेंबर्स में से जो मोर देन 4 मेंबर्स जो है वो गवर्नर इलेक्ट करता है, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द रहते हैं वो एडल फ्रेंचाइज से इलेक्ट किया जाता है। एडल फ्रेंचाइज मतलब वही यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज, मतलब वोटिंग थ्रू पीपल वोट किए जाते हैं, पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव उनको फिर उस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का मेंबर मतलब घोषित किया जाता है। ठीक है, देयर हैव बीन अ सेपरेट रीजनल काउंसिल फॉर ईच एरिया कॉन्स्टिट्यूटेड ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, जो ऑटोनॉमस रीजन होते हैं वहाँ पे एक रीजनल काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ईच रीजनल काउंसिल शैल बी द बॉडी कोऑपरेटेड बाय द नेम रिस्पेक्टिवली टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ द नेम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड द रीजनल काउंसिल ऑफ द नेम ऑफ अ रीजन। ठीक है, जो भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो भी रीजनल काउंसिल होती है, उनका मतलब नाम जो है वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम, और ओके एक्स काउंसिल ऐसा, या वो भी रीजनल काउंसिल हो तो एक्स रीजन काउंसिल ऐसा उनका नाम दिया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि हु इज़ अ स्टार कैंपेनर। ठीक है, अभी स्टार कैंपेनर कौन होता है इसके बारे में न्यूज़ दिया है। तो कंटेक्स्ट ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कुछ नॉर्म्स रिवाइज किए हैं फॉर द स्टार कैंपेनर फॉर पोलिंग ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ठीक है, पैंडेमिक के टाइम पे जो भी पोलिंग करते हैं, ठीक है, वो जो उन स्टार कैंपेनर का कुछ नॉर्म्स में रिवाइज किया है थ्रू द इलेक्शन कमीशन, इसलिए वो न्यूज़ में है। ठीक है, तो पहले क्या चेंजेस लाए वो बताती हूँ, और उसके बाद बताती हूँ कि स्टार कैंपेनर क्या होता है। तो चेंजेस क्या क्या लाए हैं उन्होंने, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अ स्टार कैंपेनर रिड्यूस फ्रॉम 40 टू 30। ठीक है, 40 इनिशियली पहले जो थे ना स्टार कैंपेनर वो 40 रहते थे, और बाद में उसको 30 में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड पार्टी द नंबर ऑफ अ स्टार कैंपेनर has been reduced from 20 to 15। ठीक है, जो अनरिकोगनाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज़ होती है, तो ठीक है, जो पार्टीज मतलब अनरिकोगनाइज होती है और वो रजिस्टर्ड पर वो रजिस्टर्ड पार्टीज़ होती है, तो उनका जो नंबर है वो 20 टू 15 में डिक्रीज हो गया है। और इसके साथ साथ दे नाउ रिक्वायर्ड परमिशन फॉर द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल 48 आवर प्रायर टू द कैंपेनिंग। अगर जो कैंपेनर कैंपिंग करने वाले होते हैं तो उनको जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस होता है वहाँ से उनको 48 पहले मतलब प्रायर 48 आवर पहले ही उनको परमिशन लेनी पड़ती है कि वो कोई कैंपिंग करने वाले। अब स्टार कैंपेनर कौन होता है, दे कैन बी डिस्क्राइब एज अ पर्सन हु आर नॉमिनेटेड बाय द पार्टी टू कैंपेन इन अ गिवन सेट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, तो ऐसा पर्सन रहता है जो नॉमिनेट किया जाता है किसी भी पार्टी थ्रू, ठीक है, जो कैंपिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, पर कोई भी हमें जैसे जानते हैं कि हर एक स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पार्टीज होती है वो कुछ जो पर्सन्स को नॉमिनेट करती है टू हेल्ड द कैंपेन इन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उनको हम बोलते हैं स्टार कैंपेनर। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो पर्सन्स होते हैं वो मोस्टली जो प्रोमिनेंट या पॉपुलर फेसेस होते हैं उस पार्टी के, वही उसमें मतलब ज़्यादातर देखा जाए तो वो स्टार कैंपेनर होते हैं। ठीक है, और ऐसा कुछ जो इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स हैं उनके जो लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, पर एक जनरल ओवरव्यू देखा जाए तो यही डेफिनेशन है स्टार कैंपेनर की। अगर बेनिफिट क्या है उनका, ठीक है, जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैंपेनिंग बाय सच कैंपेनर इज एग्जेम्प्टेड from the being added to the election expenditure of that candidate। ठीक है, हर एक कैंडिडेट का एक पर्टिकुलर इलेक्शन एक्सपेंडिचर होता है और इतने अमाउंट तक ही वो खर्च कर सकते हैं। तो ये जो स्टार कैंपेनर होते हैं तो वो जब स्टार कैंपेनिंग करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, जो भी एक्सपेंडिचर लगता है वो जो है उनके जो एक्चुअल इलेक्शन जो एक्सपेंडिचर में ऐड नहीं होता, ये उनको बेनिफिट रहता है। ठीक है, अभी देखा जाए व्हाई व्हाट इफ अ स्टार कैंपेनर कैंपिंग स्पेशली फॉर अ वन कैंपेन सॉरी जस्ट अ मिनट व्हाट इफ अ स्टार कैंपेनर कैंपिंग स्पेसिफिकली फॉर अ वन कैंडिडेट। अभी देखा जाए तो अगर कोई स्टार कैंपेनर जो रहता है और उसने बस उसके पार्टी एक पार्टी से वो निकलता है, ठीक है, पार्टी नॉमिनेट करती है, तो वो अगर पर्सन पर्टिकुलर एक ही कैंडिडेट को मतलब वो उसके लिए
कैंपेन लेता है तो क्या बेनिफिट्स हैं या क्या स्पेशलाइजेशन है उस टाइप में, ठीक है। तो इफ़ ए कैंडिडेट और हर इलेक्शन एजेंट शेयर द स्टेज विद स्टार कैंपेनर, अगर कोई कैंडिडेट ने स्टार कैंपेनर के साथ स्टेज शेयर किया, देन जो एंटर एक्सपेंडिचर लगता है, ठीक है, रैली के लिए या कोई भी जो एक्सपेंसेस हो, ठीक है, पर उसमें जो ट्रैवल एक्सपेंसेस को छोड़ के, तो जो स्टार कैंपेनर की यहाँ पे ऐड ना होते हुए जो कैंडिडेट का एक्सपेंसेस है उसमें ऐड होते हैं, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को एक पर्टिकुलर अमाउंट ही इलेक्शन के टाइम पे खर्च करनी रहती है, ठीक है। इफ़ द कैंडिडेट इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है, जो कैंडिडेट प्रेजेंट ना हो उस कोई भी स्टार कैंपेनर के साथ रैली में, बट देयर पोस्टर, ठीक है, उसके जो स्टार कैंपेनर उसके साथ पोस्टर हो या फोटोग्राफ डिस्प्ले किया गया हो, तो एंटायर जो एक्सपेंडिचर रहता है, ठीक है, वो सारा ऐड हो जाता है कैंडिडेट के अकाउंट में, ठीक है। दिस अप्लाई इवन इफ द स्टार कैंपेनर मेंशन द कैंडिडेट नेम ड्यूरिंग द इवेंट, ठीक है। अगर कोई स्टार कैंपेनर हो और उसने उस पर्टिकुलर जो कैंडिडेट है, ठीक है, अगर एक्स कोई कैंडिडेट हो उसका नाम भी अगर मेंशन किया, अगर फोटोग्राफ ना रहा या कोई पोस्टर भी ना रहा, ठीक है, पर उन्होंने नाम भी मेंशन किया, उस टाइम पे भी ये जो प्रोविजन है, ठीक है, जो एंटायर एक्सपेंडिचर है वो ऐड हो जाता है कैंडिडेट के अकाउंट में, वो उस टाइम पे भी लागू होता है। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे एक न्यूज़ है कि गुजरात हाईकोर्ट होल्ड लॉयर गिल्टी इन अ क्राइम क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस, ठीक है। कंटेम्प्ट का केस अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा चलते आ रहे हैं, ठीक है, हमें जानते भी है। तो एक कंटेम्प्ट का केस हुआ है, दैट इज़ जो गुजरात हाई कोर्ट ने एक लॉयर को गिल्टी ठहराया है इन द केस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अभी ठीक है, कंटेम्प्ट पे बताती हूँ, बाद में सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है वो बताती हूँ। कंटेम्प्ट क्या होता है, इट इज़ वाइल द बेसिक आइडिया ऑफ अ कंटेम्प्ट लॉ इज़ टू पनिश दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, इन दिस इंडियन कंटेक्स्ट कंटेम्प्ट इज़ ऑल्सो यूज टू पनिश अ स्पीच दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट एंड इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जस्टिस, ठीक है। कंटेम्प्ट के में तीन मतलब मोस्टली मेनली देखे जाए तो तीन केस देखे जाते हैं कि अगर किसी पर्सन ने जो कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट नहीं किया, उसके साथ साथ जो भी पर्सन ने कंटेम्प्ट किया उसको पनिश की जाती है। क्यों पनिश किया जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे जो कोर्ट के ऑर्डर उनको रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है, पहला एक है। दूसरा है कि ही और शी ट्राई टू लोअर द डिग्निटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट एंड ही और शी ट्राई टू इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जस्टिस, इन टाइप पे कंटेम्प्ट लगाया जाता है, ठीक है। अगर कंटेम्प्ट की टाइप देखे जाए तो दो टाइप के कंटेम्प्ट होते हैं, एक है सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट क्या है, किसी भी पर्सन ने अगर विलफुली डिसओबीडियंस मतलब खुद के मन से ही डिसओबीडियंस दिखाया कोर्ट के जजमेंट को, ठीक है, तो या कोर्ट के कुछ भी लॉ हो या कुछ भी ऑर्डर हो उसको अगर उसने ब्रीच किया, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट किया, मतलब उसका विरोध किया है, मतलब उसको माना नहीं, ठीक है, ब्रीच किया, तो उसको भी जो सिविल का जो कंटेम्प्ट है वो लगाया जाता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब वो होता है किसी भी टाइप का, ठीक है, जो रिटन फॉर्म हो या स्पोकन वर्ड में या कोई भी स्कैंडलिजन ऑफ अ कोर्ट इवन और लोअरिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, ठीक है, इस टाइप के कुछ भी जो इंटरफेयर किया जुडिशरी प्रोसीजर में या ऑब्स्ट्रक्ट किया किसी भी टाइप से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ जस्टिस में, उन टाइप में क्या होता है, क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट है वो लगाया जाता है। रिलेवेंट प्रोविजंस क्या है, ठीक है, किस प्रोविजन से डील करते हैं, तो आर्टिकल 129 एंड 215, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिस्पेक्टिव पावर देती है कि वो कंटेम्प्ट के केस में पीपल को पनिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो सेक्शन 10 जो है ऑफ अ कंटेम्प्ट ऑफ अ कोर्ट एक्ट 1917, ठीक है, 1917 का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसमें भी पावर दिया गया है हाई कोर्ट को कि वो पनिश कर सकता है एक आधी सबॉर्डिनेट जो कोर्ट होता है उनको कंटेम्प्ट के केस में, ठीक है, ठीक है, जो द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट के केस में अगर किसी ने कंटेम्प्ट किया हो तो उनको भी पनिश कर सकता है हाई कोर्ट इन द सेक्शन 10 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1917 में दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ जो क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, कहीं हमें जानते हैं कि हमें फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर उसमें भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी जो प्रोविजन है वो इंक्लूडेड है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज, सुप्रीम कोर्ट पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे केस ऐसा है कि मार्च 2023 में क्या हुआ था, शाहीनबाग, ठीक है, शाहीनबाग में प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द सिटीजनशिप लॉ, ठीक है, हमें जानते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब आ रहा था उस टाइम पे काफ़ी सारे एरियाज़ में प्रोटेस्ट हो रहे थे, बट पर्टिकुलरली यहाँ पे एक केस हुआ था उस टाइम मार्च में 23 मार्च को कि शाहीनबाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था अगेंस्ट द सिटीजनशिप लॉ, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वॉज क्लियर बाय द पुलिस आफ्टर द जब
वो जो प्रोटेस्ट था वो मतलब दिल्ली पुलिस ने उस टाइम पे तो कर मतलब जो प्रोटेस्ट है उसको क्लियर कर दिया था, ठीक है, क्योंकि कोरोना के जो ये आया था, ठीक है, उस टाइम पे वो हुआ था, बट नियरली वो प्रोटेस्ट चला था काफ़ी टाइम तक, ठीक है, देखा जाए तो मोर देन 100 डेज, ठीक है, जो प्रोटेस्ट था नॉट मोर देन 100 डेज तो वहाँ पे चला ही था। इवन द एपेक्स कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड, तो इसमें क्या हुआ, जो जो कोर्ट है, ठीक है, एपेक्स कोर्ट है, उन्होंने नहीं क्या एक पर्सन को अपॉइंट किया, इंटरलॉक्टर, इंटरलॉक्टर मतलब जो पर्सन जो डायलॉग कंडक्ट करता है, ठीक है, टू होल्ड द टॉक विद द प्रोटेस्टर एंड रिपोर्ट बैक ऑन द ग्राउंड सिचुएशन। जो एक कोर्ट है उन्होंने वहाँ पे एक पर्सन को अपॉइंट किया था एज ए इंटरलॉक्टर, ठीक है, वो जाके वहाँ पे डायलॉग हेल्ड करता है और ग्राउंड लेवल की जो सिचुएशन है उसकी रिपोर्ट उनको देता है। तो वॉट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट रूल नाउ, अभी ऐसा इनिशियली एक कंटेक्स देखा जाए, एक बैकग्राउंड देखा जाए, ठीक है, वो क्या केस था। तो अभी क्या सुप्रीम कोर्ट ने रूल अभी ऐसा बताया है कि जजमेंट हेल्ड एट द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ बट मेड इट अनइक्वली क्लियर दैट पब्लिक वे एंड पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड एंड दैट टू इंडेफिनेटली, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रूल बताया कि हमें राइट है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी भी लॉ के अगेंस्ट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं और पब्लिक वेज है, ठीक है, पब्लिक पाथ है, उसमें हम ना किसी भी टाइप का उसको ऑक्यूपाइड नहीं कर सकते और वो भी इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ऐसा कोर्ट ने इस बार बताया है, ठीक है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनकी ड्यूटी होती है कि जो रोड पे ब्लॉकेज आया है या जो भी पीपल ने वहाँ पे ऑक्यूपाई किया है उनको हटाने का। और देखा जाए तो डिसेंट एंड डेमोक्रेसी गो हैंड इन हैंड बट अ प्रोटेस्ट मस्ट बी कैरी आउट इन द डेजिग्नेटेड एरिया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी भी है, हमें फंडामेंटल राइट भी है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पर जो भी प्रोटेस्ट है वो एक डेजिग्नेटेड एरिया में ही होना चाहिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट डू नॉट लिव इन एन आइसोलेशन, दिस राइट आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन द इंटरेस्ट ऑफ अ सोवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड द पब्लिक ऑर्डर। जैसे हम जानते हैं कि जितने भी हमें फंडामेंटल राइट दिए उसमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी राइट में कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। अभी हमने देखा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैंने अभी जो बताया था, तो उसमें क्या था, आर्टिकल जो 19 है, ठीक है, जिससे हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलती है, तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। इसी तरीके से काफ़ी जो फंडामेंटल राइट्स है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी राइट, अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, अगर किसी भी हमारा जो इंटरेस्ट है सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। अगर बेसिक कुछ आइडिया देखा जाए तो राइट ऑफ अ प्रोटेस्ट पीसफुली, ये जो आर्टिकल 9 क्लॉज A और 9 क्लॉज B में दिया है कि कोई भी पर्सन है उसका राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड टू असेंबल पीसफुली विदाउट एनी आर्म, ठीक है, विदाउट एनी आर्म वो असेंबल हो सकता है। उसके साथ साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और 19 क्लॉज 3, द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सब्जेक्टेड टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है, ऐसे भी क्लॉजेस में 19 के वहाँ पे लिखा है। दिस क्लॉजेस इंक्लूड, अभी ये क्लॉज क्या इंक्लूड करता है, जो भी सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और द मोरालिटी और द रिलेशन टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफिस, ठीक है, ये जो है ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जो मेंशन की है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और 19 क्लॉज 3 में। पावर क्या है स्टेट का, तो स्टेट का पावर है लीगल प्रोविजंस देखा जाए तो पुलिस को हैंडल कर सकते हैं, जो भी एग्रिटेशन हुआ या जो भी प्रोटेस्ट हुआ या जो भी अनलॉफुल असेंबली हुई तो पुलिस के पास पावर रहती है। किसके अंडर में रहती है, कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर जो है 1973, दैट इज CRPF 1973, इंडियन पिनल कोड IPC 1860 एंड द पुलिस एक्ट 1861, इनके अंडर में जो स्टेट को या स्टेट का हमें जानते हैं कि जो पुलिस को पावर दी जाती है कि वो जो भी प्रोटेस्ट है उसको प्रॉपरली हैंडल करें। नेक्स्ट इज रिवर बोर्ड, तो रिवर बोर्ड क्या है, कंटेक्स्ट ऐसा न्यूज़ में है कि सेंटर ने डिसाइड किया है कि वो जो भी कृष्णा गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है उसके उनका जो ज्यूरिडिक्शन है उसको प्रॉपरली मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी ज्यूरिडिक्शन है उसको डिसाइड करने का सेंटर ने डिसाइड किया है। किसका, कृष्णा एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। इट वॉज अनाउंस ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द एपेक्स कंसिल इन्वॉल्विंग द सेंटर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। तो ये कंसिल, ये जो मीटिंग है वो किसके थ्रू किसके साथ होने वाली है, जो एपेक्स कंसिल है उनके साथ, उसके साथ साथ जो सेंटर, ठीक है, ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है, ये मीटिंग होने वाली है। जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो स्टेट के बीच में रिलेटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ इरीगेशन प्रोजेक्ट एंड द शेयरिंग वाटर, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी रिवर का में जो इरीगेशन प्रोजेक्ट होने कंडक्ट होने वाले हैं उसके साथ साथ जो भी वाटर शेयरिंग का प्रॉब्लम है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये डिसाइड होने वाला है इस मीटिंग में, ठीक है। अगर बैकग्राउंड देखा जाए, द एपेक्स कंसिल हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, ठीक है। हम ये जो कंसिल है दैट इज
ये जो बोर्ड है ना, कृष्णा गोदावरी मैनेजमेंट रिवर बोर्ड, ठीक है, ये जो बोर्ड है, ये जो कंसिल है, इसका जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म किया है, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है 2014 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सुपरवाइज क्या करता है, जो भी फंक्शंस होते हैं, सॉरी बोर्ड नहीं, कंसिल का जो फॉर्मेशन है, जो एपेक्स कंसिल है उसका जो फॉर्मेशन है वो इसके एक्ट के थ्रू हुआ है। और ये जो कंसिल है वो सुपरवाइज करती है फंक्शन ऑफ गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड द कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड, ठीक है। ये क्या क्या कंपराइज करती है, जो यूनियन जल मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मिनिस्ट्री एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। अभी आउटकम क्या होगा इस मीटिंग से, तो दो स्टेट में के जितने भी डिटेल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, जो भी इरिगेशन व्यू प्रोजेक्ट लेने वाले हैं उसके रिलेटेड जो भी डिटेल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है वो उनको सबमिट की जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद जो एपेक्स कंसिल है वो उसको सैंक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्या है, द एपेक्स कंसिल विल वर्क टूवर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मैकेनिज्म टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना इन द कृष्णा एंड गोदावरी वाटर, ठीक है। जो भी वाटर है, ठीक है, कृष्णा और गोदावरी का, तो जो एपेक्स कंसिल रहेगा वो उस वाटर का मतलब कितना शेयर जाना चाहिए या जो भी वाटर शेयरिंग इशू है वो उसको सॉल्व करेगा, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर देखा जाए, जो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड है उसका जो हेडक्वार्टर है वो आंध्र प्रदेश में है, एंड जो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर उन्होंने एग्री किया है कि टू विड्रॉ द केस फाइल इन द सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ द सेंटर टू रेफर द वाटर शेयरिंग इशू टू द कृष्णा गोदावरी ट्रिब्यूनल, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर थे तेलंगाना थे, उन्होंने एक केस फाइल किया था लास्ट टाइम कि सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग द वाटर शेयर इशू, तो अभी उन्होंने डिसाइड किया है कि जो उन्होंने केस फाइल किया है वो विड्रॉ करेंगे और जो सेंटर को वाटर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का परमिशन दे देंगे, ठीक है। अगर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो वो आर्टिकल 262 में दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंडर दिस द पार्लियामेंट जो है, ठीक है, पार्लियामेंट को पावर है आर्टिकल 262 के अंडर कि जो भी वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, वाटर रिलेटेड शेयर, वाटर शेयर हुआ, कंट्रीब्यूशन, कंट्रोल, ठीक है, जो इंटर स्टेट और रिवर जो होते हैं उनका जो है, उनके रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो पार्लियामेंट बना सकता है। और पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू द एनी डिस्प्यूट और द कंप्लेंट, ठीक है। जो भी वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट आते हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि उसमें जो है वो दे कैन प्रोवाइड दैट सुप्रीम कोर्ट जो हो या कोई भी अदर कोर्ट जो हो कि वो उस डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट नहीं, नाइदर, ठीक है, नाइदर दे कैन हैव द सुप्रीम कोर्ट और द अदर कोर्ट ड्यूरिंग द एक्सरसाइजिंग द जुरिडिक्शन ऑफ द डिस्प्यूट, ठीक है। पार्लियामेंट में कौन से दो एक्ट इनेक्ट हुए हैं, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, ठीक है। तो सबसे पहला जो एक्ट है रिवर बोर्ड एक्ट 1956, उसके बारे में देखते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिवर बोर्ड, इसके अंडर में ही रिवर बोर्ड बनाया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके लिए बनाया जाता है, फॉर द रेगुलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड द रिवर वैलीज, ठीक है। जो भी डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन होता है इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज के बीच में, तो उसके लिए जो रिवर बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट होता है अंडर द रिवर बोर्ड एक्ट। रिवर बोर्ड इज एस्टेब्लिश ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे ही वो बनाया जाता है। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, अभी ये जो है ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू सेटअप अ एडहॉक ट्रिब्यूनल फॉर द एजुडिकेशन ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट इन रिलेशन टू द वाटर ऑफ एन इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली, ठीक है। जो भी इंटर स्टेट रिवर होता है या रिवर वैलीज होता है उसमें अगर उसके रिलेटेड कुछ भी जो वाटर डिस्प्यूट अराइज हुआ हो तो जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक एडहॉक कमेटी मतलब टेम्प्रेरी बेसिस पे ट्रिब्यूनल का सेटअप कर सकते हैं अंडर द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। जो डिसीजन रहेगा ट्रिब्यूनल का वो फाइनल रहेगा एंड वो बाइंडिंग रहेगा पर्टिकुलर पार्टीज को, ठीक है। और उसमें क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, नाइदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट हैव टू ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट टू द एनी वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। जो भी वाटर डिस्प्यूट होगा उसके लिए ज्यूरिडिक्शन नहीं लगा सकते सुप्रीम कोर्ट और कोई भी एपेक्स कोर्ट। नेक्स्ट इज पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, तो ये एक बायो एनुअल रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक देती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये क्या बताती है, जो भी ग्लोबल ट्रेंड्स है रिगार्डिंग द पॉवर्टी एंड द शेयर प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे में एक ओवरव्यू देती है। अभी की फाइंडिंग इस लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या दिया है, ओवरऑल सीनारियो दिया है कि जो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी है, ठीक है, ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो इस बार जो पैंडेमिक के वजह से 20 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। इट विल एग्जेबरेट द इम्पैक्ट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये एग्जेबरेट किसके वजह से और हुई है, जो कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज के वजह से भी हुई है, ठीक है। और पैंडेमिक ने क्या किया है, पैंडेमिक के वजह से अनादर 88 मिलियन टू 115 मिलियन इनटू द एक्सट्रीम पावर्टी, ठीक है, इतने मिलियन तक
जो है एक्सट्रीम पावर्टी में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और हैविंग टू लिव लेस दैन, ठीक है, पावर्टी की अगर डेफिनेशन देखा जाए उनके अकॉर्डिंग, तो जिसके पास लेस दैन $1.50 पर डे होता है उसको पावर्टी के अंडर कंसिडर किया जाता है। तो ये इस बार इंक्रीज हुआ है, ऐसा की फाइंडिंग है, ठीक है। वर्स्ट इफेक्टेड रीज़न कौन से, अभी कौन से इफेक्टेड रीज़न बहुत ज़्यादा हुए हैं, मेनी ऑफ द न्यू पुअर इंडिविजुअल, ठीक है, जो भी पुअर न्यू इंडिविजुअल इस बार जो देखे गए हैं वो जो हाई जिनकी पावर्टी रेट है वो मोस्टली जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पे है, ठीक है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में देखे गए हैं। सब सहारा अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका जो है वो बैडली हीटेड है, ठीक है, साउथ एशिया और सब सहारा अफ्रीका, ठीक है, ये जो रीजन्स है वो मोस्टली जो अफेक्टेड है बाय द बैंक प्रोजेक्शन, ठीक है, जो बैंक प्रोजेक्शन है उनके अकॉर्डिंग जो बैडली हीटेड हीट एरिया है, ठीक है। और ऐसा दिया गया है कि इन ऑर्डर टू रिवाइज द सीरियस सेटबैक ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्रेस एंड पॉवर्टी रिडक्शन, कंट्रीज विल नीड टू प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट इकोनॉमिक पोस्ट कोविड बाय अलाउइंग कैपिटल, लेबर, स्किल एंड इनोवेशन टू मूव इनटू न्यू बिजनेसेस एंड सेक्टर, ठीक है, इसको फेस करने के लिए, ठीक है, ये जो सीरियस सेटबैक मिला है तो इसको हमको रिड्यूस करने के लिए जो कंट्रीज़ को है आफ्टर पोस्ट कोविड, ठीक है, उनको काफ़ी सारा जो कैपिटल है, लेबर है, स्किल है, नो इनोवेशन जॉब्स जो है वो सेक्टर उनको लाना पड़ेगी, ठीक है। तो अफेक्टेड कंट्रीज़ में देख सकते हैं कि सब सहारा अफ्रीका एंड साउथ एशिया, ठीक है, जो लो मिडल कंट्रीज़ है, जो लो मिडल इनकम कंट्रीज़ है उनको ज़्यादा हुआ है, पॉवर्टी इंक्रीज़ हुआ है उनके कंट्रीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ए न्यू H-1B कर्व, ठीक है, H-1B वीज़ा हमें जैसे जानते हैं, तो US जो स्टेट है उन्होंने, यूनाइटेड जो स्टेट है उन्होंने इशू किया है कुछ न्यू रूल्स, ठीक है, जो रिलेटेड टू द H-1B जो इनमाइग्रेटेड वीज़ा है उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ जो चेंजेस लाए हैं न्यू रूल में, तो काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं रिलेटेड टू द जो डेफिनेशन, जो इनिशियली डेफिनेशन थी ऑफ अ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइंग एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, वो डेफिनेशन में चेंजेस लाए हैं। अभी कौन सा डेफिनेशन थे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या चेंजेस लाए हैं ऊपर ऊपर आइडिया होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लिमिट वीज़ा वैलिडिटी, ठीक है, जो वीज़ा की वैलिडिटी है वो भी लिमिट कर दी टू 1 year, ठीक है, 1 year तक फॉर द वर्कर एट द थर्ड पार्टी वर्क साइट एंड इंक्रीज इन्फोर्समेंट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस वीज़ा, एंड इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन जो होता है वीज़ा का उसको भी थोड़ा स्ट्रेंथन किया है या इंक्रीज किया है। अभी कंसर्न क्या है इंडिया के लिए, ये जो न्यू रूल है वो कहीं ना कहीं जो इंडिया के सर्विसेज है या स्टाफ फॉर्म्स है जो यूनाइटेड स्टेट में जाके काम करते हैं, ठीक है, थीके? तो वो जो है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है। इंडिया के नेशनल्स हैज़ रिसीव ओवर 70% ऑफ H-1B वीज़ा इशूड ओवर लास्ट फ्यू ईयर, ठीक है, इंडिया में देखा जाए तो 70% जो है वो मतलब 70% नियरली अबाउट 70% जो है जो H-1B वीज़ा जो है उसके लिए जो पीपल्स हैं वो अप्लाई करने का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड इवन द शेयर ऑफ इंडियन टेक कंपनी इन द टॉप 10 वीज़ा रिसिप्टन हैज़ बीन ड्रॉपिंग स्टेडिली इन फेवर टू द अमेरिकन टेक कंपनी सच एज एप्पल, ग्लोबल, गूगल एंड अमेजोन। वाई शुड द US बी वरी अबाउट दिस चेंजेस, ठीक है, अभी US को क्यों वरी होना चाहिए, इंडिया को तो कंसर्न है, ठीक है, इंडिया के जो भी वर्कर्स थे, ठीक है, जो भी इंडिया के जो सर्विसेज थे जो वहाँ पे जाके हम काम करते थे, ठीक है, वहाँ पर उनको तो अफेक्ट होगा, पर US को क्यों वरी होना चाहिए इस चेंजेस के, ठीक है। द चेंज विल रेस्ट्रिक्ट द एसिक्स टू द टैलेंट एंड हार्म द अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है, तो न्यू टैलेंट जो है ना कि डिफरेंट कंट्री से वो जाने का भी मतलब कहीं ना कहीं मार्ग बंद हो जाएगा, ठीक है, तो उसके वजह से तो इट विल समवेयर रेस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू द टैलेंट एंड हार्म द अमेरिकन इकोनॉमी एंड इट वुड ऑल्सो डेंजर द US जॉब, ठीक है, US जॉब को भी कहीं ना कहीं डेंजर में ला सकते है। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के न्यू जो सॉल्यूशन है उसको भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो इस वीज़ा के बारे में, ठीक है, तो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा होते हैं, तो उनके बारे में अगर देखा जाए, इन ऑर्डर टू फिल द वैक्यूम ऑफ अ हाई स्किल लो कॉस्ट इम्प्लॉयड इन IT एंड अदर रिलेटेड डोमेन, US एडमिनिस्ट्रेशन इशू अ सर्टन नंबर ऑफ वीज़ा, ठीक है, जो हाईली स्किल्ड ऑक्यूपेशन होते हैं, ठीक है, हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयड होते हैं और लो कॉस्ट में मिलते हैं जैसे IT सेक्टर्स में, तो जो US एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मतलब US में जाने के लिए कुछ वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है, हर साल में लेना पड़ता है। तो वो कौन से वीज़ा है, H-1B वीज़ा, ठीक है, H-1B वीज़ा क्या है, पर्सन इन द स्पेशल फैसिलिटी ऑक्यूपेशन टू वर्क इन अ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन रिक्वायर्ड अ हायर एजुकेशन डिग्री, ठीक है, H-1B वीज़ा किसको मिलता है, जो भी एक स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन में एंगेज होता है पर्टिकुलर पर्सन और जिसकी हायर डिग्री रहती है उसको H-1B वीज़ा मिलता है। L-1 वीज़ा किसको मिलता है, अलाउ द कंपनी टू ट्रांसफर हाईली स्किल्ड वर्कर टू US फॉर द पीरियड ऑफ
अप टू 7 ईयर, ठीक है, अप टू 7 ईयर कर जो हाईली स्किल्ड वर्कर को हम US में भेज सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वीज़ा ऑफ L1, ठीक है। H2B वीज़ा क्या है? वीज़ा अलाउ अ फूड एंड एग्रीकल्चर वर्कर टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन US, ठीक है। जो ये वीज़ा अलाउ करता है कि जो भी फूड और एग्रीकल्चर वर्कर है वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिले US में, ठीक है। नेक्स्ट वीज़ा है J1 वीज़ा। J1 वीज़ा क्या है? वो स्टूडेंट को जो समर की प्रोग्राम्स हैं, वर्क स्टडी रिलेटेड प्रोग्राम, उनको कंडक्ट करने के लिए J1 वीज़ा स्टूडेंट्स को मिलता है। नाउ GS3 पेपर्स में एक न्यूज़ है, नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री। तो नोबल प्राइज़ मिला है केमिस्ट्री में, ठीक है। किसके लिए अवार्ड किया है? जो क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर को बनाने के लिए, ठीक है, उनको मिला है। अभी किनको अवार्ड मिला है? इनेमोल कैरपेंटर एंड अमेरिकन जेनिफर दोना, इनको जो है प्राइज़ मिला है फॉर डेवलपिंग अ क्रिस्पर और Cas19 टूल, ठीक है। एक जीन एडिटिंग टूल है या हम बोल सकते हैं उसको, टू एडिट द DNA ऑफ अ एनिमल एंड प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उन जो एनिमल प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का DNA को एडिट करने का हम एक टूल बोल सकते हैं क्रिस्पर और Cas9। इट इज़ पॉसिबल द ओनली टाइम इन द हिस्ट्री द ग्लोबल प्राइज नोबल प्राइज दैट टू वुमेन हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ सोल विनर, ठीक है। पहले बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो एक नोबल प्राइज़ है केमिस्ट्री का या कोई भी जो नोबल प्राइज़ बाकी भी सेक्टर्स में मिलते हैं, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पर्टिकुलर एक रिसर्च के लिए दो वुमेन्स को एक ये जो नोबल प्राइज़ अवार्ड हुआ है। अभी जो क्रिस्पर है उसके बारे में देखते हैं। क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलीड्रॉमिक रिपीट्स, ये है क्रिस्पर का फुल फॉर्म। अभी हाउ डज इट वर्क? इट लोकेट इन द स्पेसिफिक एरिया इन द जेनेटिक सिक्वेंस विच हैज़ बीन डायग्नोनाइज टू बी द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम, कट इट आउट एंड रिप्लेस इट विद द न्यू एंड अ करेक्ट सिक्वेंस दैट नो लॉन्गर कॉज अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें ये क्रिस्पर का वर्क कैसे होता है कि कुछ भी अगर जेनेटिक सिक्वेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो हो, तो उसको कैसा, उस मैकेनिज्म का क्या है, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको इतना पार्ट अगर कट करके उसमें कुछ नया पार्ट रिप्लेस कराया जाता है और आगे भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर ये पार्ट कट किया है, यहाँ पे जो न्यू पार्ट इंस्टॉल किया है उसको कोई प्रॉब्लम कॉज ना करे, इस टाइप का उसका मैकेनिज्म है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे हम जानते हैं कि RNA मॉलिक्यूल इज प्रोग्राम टू लोकेटेड द पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस ऑफ अ DNA स्ट्रैंड एंड अ स्पेशल प्रोटीन कॉल्स Cas9 जेनेटिक सीजर एंड इट इज़ यूज टू ब्रेक एंड रिमूव द प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस। जैसे हम जानते हैं कि जो RNA के मॉलिक्यूल्स होता है वो इस टाइप का प्रोग्राम होता है कि जो भी DNA स्ट्रैंड होते हैं, जैसे हम जानते हैं कि RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है और DNA जो होता है डबल स्ट्रैंड होता है, ठीक है। तो DNA का जब डबल स्ट्रैंड है, अगर वो कहीं पे भी कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस हो तो ये जो प्रोटीन होता है, ठीक है, कॉल Cas9, तो ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू ब्रेक एंड रिमूव द प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस। तो जो भी प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए यूजफुल है। और जो DNA स्ट्रैंड है, व्हेन ब्रोकन हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू रिपेयर, ठीक है। अगर DNA का जो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये DNA हो गया, तो DNA का जो स्ट्रैंड है अगर वो कहीं ना कहीं अगर वो ब्रोक हो गया तो उनके पास नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो खुद ही रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है, या उनकी रीग्रोथ हो सकती है, वो रिपेयर हो सकते हैं। पर क्या है, कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो भी अराइज हो सकती है, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट हैं, इंटरवेंट ड्यूरिंग द ऑटो रिपेयर प्रोसेस बाय सप्लाइंग अ डिजायरेबल सीक्वेंस। तो साइंटिस्ट ने क्या इंटरवीन किया है कि एक डिजायरेबल जो सीक्वेंस है, ठीक है, ऑफ अ जेनेटिक कोड, वो उनको रिप्लेस करेंगे द ओरिजिनल सीक्वेंस को मैच करने टाइप जो सीक्वेंस है वो ऐड करेंगे, ठीक है। इट इज़ लाइक कटिंग अ पोर्शन, ठीक है, जो भी प्रॉब्लमेटिक पोर्शन है, ठीक है, तो उसको कट करके न्यू जो है उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हम सिग्निफिकेंस देखा जाए, सिंपली वर्ड में बताया जाए, तो एक कट कॉपी पेस्ट जैसा एक मैकेनिज्म रहेगा, जो भी प्रॉब्लमेटिक पार्ट है, ठीक है, उसको कट करेंगे, ठीक है, एंड जो न्यू उसके टाइप का ही जो है उसको ऐड करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे, इस टाइप का मैकेनिज्म रहेगा। पोटेंशियल एप्लीकेशन देखा जाए, इट यूज़ कैन पोटेंशियली ट्रांसफर ह्यूमन बीइंग एंड ऑल अदर लाइफ ऑफ फॉर्म, इट कैन पोटेंशियली एलिमिनेट जेनेटिक एंड अदर डिसीजेज, मल्टीप्लाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो जेनेटिक या अदर जो डिसीजेज है उसको भी कम करेंगे, ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ठीक है। जैसे हमने बताया एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन टाइप में यूज हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं जो न्यू जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रिलेटेड जो होगा उसको भी डिसीजेस है उसका जो प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, डिसीजेस को कम करने के लिए और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ
इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, पहले मैं गुड जो है वो बता देती हूँ, ठीक है। इफिशियंट क्या रहेगा, ठीक है, बिकॉज द एंटायर जो प्रोसेस है ये जो है प्रोग्राम प्रोसेस है, ठीक है, इट हैज़ अ रिमार्केबल इफिशियंसी एंड ऑलरेडी ब्रॉट ऑलमोस्ट मिराकुलस रिजल्ट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मिराकुलस रिजल्ट दिखे गए हैं, इसलिए एक इफिशियंट है ऐसा माना जाता है, ठीक है। और जेनेटिक सिक्वेंसिस ऑफ अ डिजीजेस कॉज ऑर्गेनिज्म कैन बी अल्टर टू मेक देम इन इफेक्टिव फॉर एग्रीकल्चर, जीन्स ऑफ अ प्लांट कैन बी एडिड टू मेक देम विदस्टैंड पेस्ट टू इम्प्रूव द टॉलरेंस टू ड्रॉट एंड टेम्परेचर, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर जो जीन्स है प्लांट्स के उसको एडिट किया गया तो वो कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, जैसे उनको डिसीजेस जो होता है या कोई भी ड्रॉट कंडीशन या टेम्परेचर कंडीशन को टॉलरेंस करने के लिए उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है। पर अगर कंसर्न देखे जाएँ तो 2018 में क्या हुआ था, सॉरी कुछ प्रॉब्लम आ गया फ़ोन में, तो मैं ऐसा रोटेट करके बताती हूँ कि 2018 में कंसर्न ऐसा हुआ था कि 2018 में डिज़ाइनर बेबी बनाए थे, चाइना जो रिसर्चर है उन्होंने क्लेम किया था बाय अल्टरिंग द जीन्स, ठीक है, ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो के अगर जीन चेंज किया गया तो इवेंचुअली दे रिजल्ट इनटू ट्विन बेबी गर्ल, ठीक है, उनको ट्विन बेबी गर्ल इवेंचुअली दे रिजल्ट इनटू, ठीक है, व्हेन द जीन्स ऑफ अ ह्यूमन एम्ब्रियो वॉज अल्टर, ठीक है। दिस वॉज अ फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ अ डिज़ाइन बेबी, ठीक है, डिज़ाइनर बेबी का फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस था बींग प्रोड्यूस बाई यूजिंग जो जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर उसको यूज करके वो बनाया गया था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर इथिकल कंसर्न अराइज कर सकता है, ठीक है। इन केस ऑफ अ चाइनाज ट्विन जीन्स दे आर एडिट टू इंश्योर दैट दे डू नॉट गेट इफेक्टेड विद, ठीक है, जो जब ये चाइना का ये जो एडिट किया था डिजाइनर बेबी तो उन्होंने एक केसेस को देखा था कि वो जो भी पर्सन हो या जो भी बेबी हो तो उसको कोई भी HIV का इन्फेक्शन ना हो और तो जो वायरस कॉज होता है एड्स कॉज करता है उसको, ठीक है। वॉट वॉज द कंसर्न देन, द कंसर्न वेयर ओवर द इथिकल इथिक्स ऑफ अ प्रोड्यूसिंग बेबी विद अ पर्टिकुलर जेनेटिक ट्रेन, ठीक है, अगर जेनेटिक ट्रेन से या जेनेटिक मॉडिफिकेशन से अगर कोई बेबी प्रोड्यूस होता हो तो वो कहीं ना कहीं एक इथिकल कंसर्न को अराइज करता है, ठीक है। तो ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है उसके बारे में एक जानकारी ध्यान में रखिए कि 100% एक्यूरेट नहीं है वो, ठीक है। सम अदर जीन्स कुल आल्सो अल्टर्ड, अगर जीन्स अल्टर हो गए तो वो कहीं ना कहीं मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी ला सकते हैं। और जीन एडिटिंग वॉज प्रोबेबली डन विदाउट अ रेगुलेटरी परमिशन ऑल ओवर साइड, ठीक है। ये जो हुआ था चाइना में उस टाइम पे तो या जो भी जो केसेस हुए थे जहाँ पे जो इन्फेक्शन रिलेटेड था HIV वायरस, मैंने अभी बताया था कि ठीक है मॉडिफिकेशन के टाइम, तो उसमें क्या होगा ये जो थे वो मोस्टली जो थे उस टाइम पे एक रेगुलेटरी परमिशन के अकॉर्डिंग नहीं किए थे, ठीक है। यहाँ पे फिगर दिया है, ठीक है, अगर देखो ये कैसे कट किया जाएगा और ये पेस्ट किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। वो अगर प्रॉपरली इंसर्ट नहीं हुआ तो वो प्रॉपर एक प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ गूगल टू फेस एंटी ट्रस्ट केसेस इन इंडिया, तो गूगल इज़ फेसिंग एंटी ट्रस्ट केसेस इन इंडिया, इट इज़ अलाइक टू हैव अब्यूज इट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पोजिशन इन द स्मार्ट टेलीविज़न, ठीक है। तो उनको ऐसा बताया, मतलब गूगल को जो है वो एंटी ट्रस्ट के इशू फेस कर रहा है, ठीक है, ऐसा एलिगेशन पे लगाया गया है कि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उस पर कुछ मतलब प्रॉब्लम आया है, मतलब एलिगेशन उनको उस पर लगाया गया है, ठीक है, उसका ऑपरेशन रिलेटेड कुछ है, ठीक है। तो केस देखा जाए तो फोर्थ मेजर एंटी ट्रस्ट चैलेंज इन इंडिया, तो ये गूगल का पहला चौथा केस है जो एंटी ट्रस्ट चैलेंज इन इंडिया मतलब उनको लग रहा है, ठीक है। गूगल इज़ फेसिंग एंटी ट्रस्ट चैलेंज इन US, ठीक है, उसके साथ साथ गूगल जो है US में एंटी ट्रस्ट का चैलेंज फेस कर रहा है, उसके साथ साथ चाइना के साथ भी फेस कर रहा है। अभी एंटी ट्रस्ट लॉ क्या है, इट ऑल्सो रिफर्ड एज अ कॉम्पिटिशन लॉ, ठीक है, उसको कॉम्पिटिशन लॉ भी बोला जाता है। दे आर डेवलप टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम द प्रेडिएटर बिजनेस प्रैक्टिस, जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस है उसको, मतलब जो भी ऑब्स्ट्रक्टेड बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, तो अगर कंज्यूमर का कुछ ऑब्स्ट्रक कर दिया गया, ठीक है, जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस कंडक्ट करने को, उसका डेवलपमेंट होता है मोस्टली एंटी ट्रस्ट लॉ के केस में, ठीक है, टू इंश्योर दैट अ फेयर कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट इन द ओपन मार्केट, ठीक है। एंटी ट्रस्ट लॉ क्या होता है, एक फेयर मार्केट होना चाहिए, ठीक है, एक फेयर ओपन मार्केट होना चाहिए, ऐसा रहता है, ठीक है। एंटी ट्रस्ट रेगुलेशन फ्रेमवर्क इंडिया में अगर देखा जाए तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में दिया गया है एंटी ट्रस्ट लॉ, ठीक है। इट रिप्लेस क्या रिप्लेस करता है, जो मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 को रिप्लेस करता है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, जो भी एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट होता है, अब्यूज ऑफ अ डोमिनेंट पोजिशन ऑफ एंटरप्राइजेस एंड द रेगुलेशन कॉम्बिनेशन विच कॉज अ लाइकली टू कॉज और एप्लीकेबल एडवर्स इफेक्ट ऑन द कॉम्पिटिशन इन इंडिया, ठीक है, कॉम्पिटिशन विद इन इंडिया कहीं भी कॉज करता है या जो भी एंटी कॉम्पिटिशन लाता है, तो ये एक्ट सबको प्रोवाइड करता है।
प्रोहिबिट करता है, ठीक है। और ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2003 में सेटअप हुई थी, और ये कहीं ना कहीं जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं मार्केट में, ठीक है, वो प्रॉपरली फ्री होना चाहिए, उसके लिए वो एक एज अ वॉचडॉग एक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ नेचुरल गैस मार्केट रिफॉर्म, ठीक है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो नेचुरल गैस के यहाँ पे रिफॉर्म लाए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म में क्या लाया है, सबसे पहले एक मेन रिफॉर्म है कि वो ई बीडिंग करेगी। ई बीडिंग मतलब जो भी बोली लगाई जाती है वो ई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होंगे, जिसके वजह से क्या होगा, जो प्राइजेस रहेंगी नेचुरल गैसेस की वो एक ट्रांसपेरेंट वे में लाए जाएंगी। जो और जो सेकेंड क्या रिफॉर्म है, जो एफिलिएट कंपनी है विल अलाउ टू प्रैक्टिस इन द बिडिंग प्रोसेस, ठीक है। जो एफिलिएट कंपनीज हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं बिडिंग प्रोसेस में, एंड उनका जो प्रोसेस होगा वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा और ट्रांसपेरेंट और ओपन भी रहेगा। और मार्केट फ्रीडम विल बी ग्रांट टू द फील्ड डेवलपमेंट प्लान of those block in the production share contract, ठीक है। एक मार्केट फ्रीडम भी दिया जाएगा, ठीक है, टू द जो फील्ड डेवलपमेंट प्लांट्स है, ठीक है, उनको। एंड जो अगर बेसिक देखा जाए नेचुरल गैस के बारे में, तो सबसे पहला बेसिक है ये क्लीनेस्ट फ्यूल है अमॉन्ग द अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, ठीक है। जितने भी फॉसिल फ्यूल अवेलेबल हैं उनमें से क्लीनेस्ट फ्यूल है, ठीक है। नेचुरल गैस जो है ऑकर होता है हाइड्रोजन गैसेस मिक्सचर्स विद द कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ ए मीथेन, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस है, सॉरी जो नेचुरल गैस है, वो मेनली कंपोज ऑफ अ हाइड्रोजन गैस विच इज द मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ अ मीथेन बट कॉमनली इंक्लूडिंग वेरिंग अमाउंट ऑफ अदर हायर अल्काइन भी रहते हैं उसमें कंटेंट, और सम परसेंटेज में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हीलियम, ठीक है। इट इज़ अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं, पोटेंट ग्रीन हाउस गैस इट सेल्फ एंड रिलीज इन टू द एटमोसफियर एंड क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। जब जो ऑक्सीडेशन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब क्रिएट करता है। अभी यूसेज देखा जाए तो काफ़ी सारे फीड स्टॉक है, जैसे मैन्युफैक्चर हो, फर्टिलाइजर हो, प्लास्टिक्स हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट कमर्शियल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल, ठीक है, फ्यूल फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, प्रोडक्शन में भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट देखा जाए तो डोमेस्टिक हाउस होल्ड में भी या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल फॉर द व्हीकल में भी जो नेचुरल गैस है उसका बहुत यूजेस है। नाउ एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में दिया गया है। तो दिल्ली का रिसेंटली जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया है कि जून में है वो पुअर मिला है, ठीक है, पुअर जोन में पाया गया है। तो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसके बारे में बताया जाए तो ये 2014 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, विद द आउटलाइन वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वन कलर वन नंबर वन डिस्क्रिप्शन करके, ठीक है। अभी ये क्या मेजर करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो मेजर 8 पोल्यूटेंट है उसको मेजर करता है। कौन से 8 पोल्यूटेंट है, सबसे पहला है पार्टिकुलेट मैटर PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रोजन सॉरी ओजोन O3, अमोनियम NH3 एंड लीड PB, ठीक है। ये इन 8 जो पोल्यूटेंट है उसको मेजर करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ एयर, उसको गुड, सेटिस्फाइड, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सेवियर, ऐसे टाइप का उसको कैटेगराइजेशन दिया जाता है, ठीक है। ये किससे डेवलप किया है, CPCB दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड थ्रू ये डेवलप किया है, किसके कंसल्ट हुआ, IIT जो कानपुर है उनके कंसल्टेशन के साथ इसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया है, ठीक है, इतने रेंज में रहेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको पुअर बोला जाएगा, ठीक है, कैटेगरी डिसाइडेड है, मॉडरेट बोला जाएगा, ये बोला जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या है, ये जो पोल्यूटेंट्स है, ठीक है, हाई 8 पोल्यूटेंट्स, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आया कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ इंक्लूड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, तो ये नाम जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ फैक्ट रिलेटेड टू द प्रीलिम्स, कुछ प्रीलिम्स रिलेटेड पॉइंट्स है। फर्स्ट है एब्रोटेल फुसा नामदा फेलिनिसी, ओके, फेलिनिस, ये एक न्यू स्पीशीज फाउंड हुआ है, ठीक है, फ्रेश वाटर क्रैप की, जो रिसेंटली फाउंड हुए है जो नंदापा जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे, उनकी जो स्मॉल स्ट्रीम है उसमें फाउंड किया है। अगर इसका जीनस देखा जाए तो एब्रोटेल फोसा विच इज वॉज नेम आफ्टर द एब्रो हिल, ठीक है, एंड जो स्पीशीज देखा जाए तो नंदा फार्मेसिस जो नेम हुआ है आफ्टर द नंदा फा जो टाइगर रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये उनका नाम दिया गया है। नंदा फा इज नोन फॉर हिज रिच बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा रीच है। अगर 4 लार्जेस्ट कैट देखा जाए तो टाइगर, स्नो लेपर्ड,
क्लाउडेड लेपर्ड एंड द लेपर्ड वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, अभी डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई का रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। द सेंटर ने एज अपॉइंट किया है आरबीआई का जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम राजेश्वर राव एज अ डेप्यूटी गवर्नर, उन्होंने डेप्यूटी गवर्नर उनको अपॉइंट किया है। तो ये जो अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट एज अप्रूव द अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट कमेटी ने अप्रूव किया है। ठीक है, एंड हाउ मेनी डिप्यूटी गवर्नर आर देयर इन आरबीआई, अगर आरबीआई में कितने डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है, उनको देखा जाए तो मोस्टली 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक के 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, 2 फ्रॉम विद इन द रैंक, 1 कमर्शियल बैंकर एंड अदर इकोनॉमिक्स टू हेल्प द मॉनिटरी पॉलिसी। ठीक है, ये जो चार में से कौन से होते हैं, 2 जो होते हैं वो विद इन द रैंक में होल्डर होते हैं, ठीक है, 1 जो होता है वो कमर्शियल बैंकर होता है और अदर जो होता है इकोनॉमिक जो हेड रिलेटेड होता है, इकोनॉमिक का नॉलेज रखने वाला जो पर्सन होता है। ठीक है, डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंटेड फ्रॉम एंड अपॉइंट्स आर मेड फ्रॉम द इनिशियल पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड द पर्सन इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, इनिशियली देखा जाए तो 3 ईयर के लिए वो अपॉइंटमेंट होता है, वो जो पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट होता है उसको रीअपॉइंटमेंट के लिए भी प्रोविजन होता है। अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखा जाए तो गवर्नर रहता है, उसके बाद डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रिंसिपल, चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ। ठीक है, ये जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होता है आरबीआई के। नेक्स्ट इज जापान, इंडिया फाइनलाइज टेक्स्ट ऑफ पैक्ट फॉर AI एंड 5G। ठीक है, 5G और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके रिलेटेड एक पैक्ट साइन किया है जापान और इंडिया ने। ठीक है, एंड रिलेटेड टू द टेक्स्ट किसके रिलेटेड है, जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट क्या प्रोमोट करेगा, जो कॉपरेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड रेजिलेंस इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन सारे सेक्टर्स में जो है ये जो सेक्टर्स है, ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G, IoT एंड AI, इन सारे सेक्टर्स के लिए एक प्रॉपर कॉपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये पैक्ट जो है साइन किया है। गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया है, एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है फ्रॉम द दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग एरिया ऑफ अ वेस्ट बंगाल स्टेट इन इंडिया। ठीक है, ये दार्जिलिंग और कालिम्पोंग एरिया जो है वेस्ट बंगाल स्टेट इन इंडिया से है। ठीक है, इट वाज फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ अ ट्राइपार्टी एग्रीमेंट जो हुआ था वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट, सेंट्रल और गोरखा जन मुक्ति मोर्चा, इन तीनों के एग्रीमेंट के बाद जो है ये गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 211 में, ठीक है, 2011 में तो GTA जो है, ठीक है, गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन जो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है वाज मेड टू रिप्लेस द दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल। ठीक है, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल को रिप्लेस किया था, ठीक है, जो फॉर्म हुई थी 1988 में। ठीक है, जो गोरखा ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रेजेंटली कंसिस्ट ऑफ अ 3 हिल, ठीक है, 3 हिल जो सब डिवीजन ऑफ अ दार्जिलिंग, कुरुसेंगो, मिरिक, सम एरियाज ऑफ अ सिलीगुड़ी, सब डिवीजन ऑफ अ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एंड द होल ऑफ अ कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट अंडर दिस अथॉरिटी। ठीक है, ये सब आते हैं, इस फिगर में भी दिया है उनके नाम। तो इस तरीके से आज जो सेक्शन था उसको हमने कंप्लीट कर दिया। हैव अ नाइस डे, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।